हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं जिनसे आपको आज मिलाने वाला हूँ, ही इज प्रॉबली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इज़ अ बिग 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 नेम इन दी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री। इतना बड़ा नाम कि इन्होंने बड़े बड़े एथलीट्स इसी जिम से, द्रोणाचार्य जिम से ही पैदा करे हैं। और वो ऐसे ऐसे लड़के थे, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, मेरा आपने इंटरव्यू देखा होगा मुकेश भाई का या सुरेंद्र भाई का, उनकी एक सिर्फ एक इच्छा थी कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। उन्होंने वहाँ से उनके साथ ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग करानी शुरू करी और उनको एक मकाम तक पहुँचाया। आई एम टॉकिंग अबाउट द द्रोणाचार्य विनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेशनल कोच फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, मिस्टर भूपेंद्र धवन जी। सर वेलकम टू द शो। तो मैं भी इनको गुरु जी बोलूँगा, मैं भी इनको गुरु जी बोलूँगा। तो गॉड ब्लेस यू गुरु जी। मैंने जस्ट टेल मी समथिंग, मेरे को एक बात बताओ आप, कि इतने साल हो गए बॉडी बिल्डिंग में, आपको कुछ चेंज आया है? मतलब इज इट एनी डिफरेंट नाउ जो पहले था और अब में क्या फ़र्क है? डेफिनेटली क्रेज़ बहुत बढ़ गया फिटनेस का, बॉडी बिल्डिंग का। जब मैं कराता था तब गांव से बच्चे पहले बस लेके, साइकिल लेके बस के स्टैंड पे आना, फिर स्टैंड से इधर आना, फिर मेरे जिम तक पहुंचना। मतलब सुबह 11 बजे घर पे चले या रात को 11 बजे पहुंचना। आज की डेट में शौक बढ़ गया है पर लग्जरी भी बढ़ गई है और शॉर्टकट भी चाहते हैं लोग। पहले वाले जो बच्चे थे वो मेहनत करके, और पहले कोई सप्लीमेंट नहीं था, मैंने भी सप्लीमेंट नहीं देखा था उससे पहले। मेरे स्टूडेंट हैं दिनेश सिंह जसवाल, जो सबसे पहले इंटरनेशनल में हुए मेरे, वो मिस्टर इंडिया बन चुके थे, फिर वो वियतनाम चले गए एशिया खेलने, फिर वो कॉमनवेल्थ। हमने पहला डब्बा उस ज़माने में ख़रीदा एक, और वो 4000 का अमीनो का डब्बा आया। अब मेरे पास 4000 नहीं थे क्योंकि मेरी जिम की फीस थी 180 रुपये। मैंने कहा यार इतना महंगा डब्बा ले लिया, चलो कंपनी वालों को बोला भी ट्राई करते हैं। पहली बार आपकी मेगा प्रो कंपनी आई थी और अरविंद आए थे, अरविंद मधोग उसके वो थे, पहले तो मेरे जिम में आए। उन्होंने बोला यार ये जिम में कैसे अमीनो खा सकते हैं लोग, क्योंकि जिम तो भरा हुआ था और लोग वर्जिश कर रहे थे, कोई म्यूजिक नहीं कुछ नहीं। उन्होंने बोला ये तो, और पहले जिम भी बहुत कम थे, जिम में म्यूजिक भी नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरा जिम तो आपने देखा है, रॉ है। फिर वो कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, ये बंदा कैसे खरीद सकता है। फिर वो मार्केट में गए, फिर उन्होंने सर्वे किया, फिर वो आए कहते पाजी तनु, वो मुझे पाजी बोलता है, तो तनु लेना पड़ेगा। मैं कह जरूर लेंगे, आप बताओ, लेकिन पैसे ऐसे हैं आराम से मिलेंगे, पहले दिनेश पे ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट हमने अमीनो का डब्बा वहाँ लिया, ये तब सीन में नहीं थे बच्चे। कब की बात थी? 1995 की बात है। 1995 में जो पहला प्रोटीन का डब्बा गुरुजी ने किसी को मैंने वैसे जब जिम खोला तो मेरे फ्रेंड थे अमेरिका में, मैंने बोला मुझे कुछ वीडियोज भेजो जो एक्सरसाइज पे रिसर्च हुई थी, 98 बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज पे रिसर्च हुई थी। वो सारी वीडियोस मेरे को भेजी, मैंने थोड़ा लिटरेचर पढ़ा क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं था और मुझे जो नहीं समझ आता था सेरल्स वगैरह ये क्या है, ये क्या है मसल्स के, मैं अपनी वाइफ से पूछता था बिकॉज शी बिलोंग्स टू अस साइंस बैकग्राउंड। तो मैंने पहले पूरा, मैंने कहा मुझे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इफ़ यू आर अ कोच ही कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। आपका स्टूडेंट कुछ भी बोल सकता है, सर मेरे बाल उड़ रहे हैं, अब आपके पास क्या जवाब है? आपको कहोगे डॉक्टर के पास जाओ विग लगा लो, वो कहेगा सर मेरे नाखून में वो काले पड़ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको पता है कि भाई बाल उड़ रहे हैं बायोटिन खा ले या हल्के हो गए हैं बाल, तो थोड़े छोटा मोटा डॉक्टर तो कोच भी होना चाहिए क्योंकि नहीं है तो प्रॉब्लम है। अभी तो ऐसा हो गया है, कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चे अपने माँ बाप के लिए पूछते हैं जी मेरे मम्मी के घुटनों में दर्द है गोली बताओ। और मैं कह यार नहीं मकीम खतरा जान ना हो जाए, मैं तो इतना हूँ कि भाई मैं अपने बच्चे को उस टाइम सफर, अभी क्या ऐसे बहुत बार हुआ, एक बच्चा आया उसने बेंच प्रेस किया और वो कभी पहले इतनी वर्जिश की नहीं थी, मेरा मैं था नहीं, उसने पीछे से ज़्यादा कर ली, वो ज़्यादा कर ली तो नेचुरली नेक्स्ट डे मसल स्टिफ हो जाएंगे, पेन भी होगा। वो एक डॉक्टर खत्री थे मॉलटाउन में, वहाँ चला गया, उन्होंने बोला वो बहुत सीरियस हो गया, उसको एडमिट कर लिया, वो 30-40 हज़ार रुपये लग गए। और मैं फिर उसका फादर डरते, और मैंने कहा यार तुम, मैं भी डॉक्टर हूँ मेरे पास आओ तो सही, इसने वर्जिश कर ली ज़्यादा जोश में, क्योंकि पहले दिन जब कोच नहीं होगा बच्चा अपने आप जाएगा पैसे भरेगा, वो कहेगा मैं आज ये भी कर लूँ, ये देख आज ही बनेगी, यह नहीं पता कि दिस इज साइंटिफिक लाइफ
सालों साल बिकॉज अगर तरुण है आज इतना बड़ा हुआ है तो हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 35. हाँ, तो 35 साल लग गए और ऐसी समझ आने में भी 35 साल लग गए. और दिस इज अ गेम ऑफ मैच्योरिटी. वही इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बनने में ईयर्स एंड ईयर्स लगेंगे और जब तक 32 दांत नहीं आए बच्चा अच्छा बॉडी बिल्डर कैसे बन जाएगा? मैच्योरिटी, जब मसल मैच्योरिटी का गेम है ये, इसीलिए ये थोड़ा लेट तैयार होते हैं बॉडी बिल्डर. आर्टिफिशियल वे में तो आजकल बच्चे बहुत ज्यादातर, पर उतनी जल्दी हवा भी निकल जाती है. बात समझ गया? समझ गया. क्योंकि वो गुब्बारे की तरह जब हवा निकलती है एक कोने में पड़ा होता है, पहले तो उड़ता है गैस में लेकिन थोड़े दिन में. बट दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म यू हैव सीन, इसका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, सुरेंद्र है, इज 42 43. वी हैव मुकेश भाई आल्सो सिटिंग हियर. या सो मुकेश भाई का एग्जांपल दे रहे हैं कि इनके एंड ही इज स्टिल अभी इंडिया का बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट टोटल किया 780 केजी विदाउट एनी स्पोर्ट. अभी फिर जा रहा है ये वर्ल्ड के लिए, यूरोप का बेस्ट लिफ्टर डिक्लेयर हुआ. आपको पता है यूरोप में बहुत सारे एडवांस चीजें, उसके बावजूद हम लोग ऐसे कर रहे हैं. तो दिस इज अ गेम ऑफ मैच्योरिटी. आप जल्दबाजी करके ये करोगे ये कर... मैं इसीलिए सब बच्चों को बोल रहा हूँ, आप आज की डेट में चेंज क्या है कि बच्चे ने मोबाइल पे देखा, वीडियो देखी, शुरू हो गया पागलपन, शुरू हो गया. और पागलपन वो कितने दिन चला ये बहुत जरूरी है. यू आर मैड फॉर 4 days और 4 weeks और 4 months और आइदर अपने टारगेट के लिए आप पूरी उम्र पागल रहे, वो कितना बड़ा है. मुकेश भाई की तरह, मुकेश हो, सुरेंद्र हो, दिनेश हो, सुरेंद्र और भी सुरेंद्र गोगी है, मतलब मैं आप चेले गिनाने लगूंगा तो लिस्ट बड़ी लंबी है. आप देखो गाइस, एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं गुरु जी यहाँ पे. वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लंबी गेम खेलना चाहते हो तो गेट द बेसिक्स राइट. ये शॉर्टकट्स जो हैं, ये स्टेरॉयड्स, ये गोलियाँ वोलियाँ, इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर यू गो दी नेचुरल वे. तो गुरु जी बात बताइए, मैं देखता हूँ दिल्ली में भी, अक्रॉस इंडिया में, दिल्ली में खासकर क्योंकि मैं ज़्यादातर दिल्ली में देखता हूँ, ये द्रोणाचार्य द जिम एक ऐसा नाम बन गया है कि बड़े बड़े एथलीट्स निकालते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स निकालते हैं. और गाइज, इस जिम में ना आपको एसी मिलेगा, ना आपको म्यूजिक मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ हार्डकोर लोहे वाली मशीन्स मिलेंगी और फ्री वेट्स मिलेंगे और गुरुजी मिलेंगे डंडा मारते हुए आपको वेट ट्रेनिंग कराते हुए. हाँ, मुझे बताओ तो ये शुरू कहाँ से हुआ कि ये क्या? यो, दैट इज, वी स्टार्टेड इन 1990 बिफोर आई वाज कोच इन दिल्ली यूनिवर्सिटी जिम. एक 1982 एशियन गेम्स में वो जिम लगाया था पूना की एक कंपनी ने. तो मेरे फिजिकल डायरेक्टर थे गुरुजी कवर मंगल सिंह. मैंने उनको बोला सर मुझे इस जिम में लगवा दो, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा. बोले भी पैसे वैसे तो देंगे नहीं. मैंने जी फ्री में लगवाओ, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मैं फ्री में ही कराऊँ. कुछ दिन मैंने सिखाया तो वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि एक वहाँ पे हादसा हो गया, एक बच्चे की डेथ हो गई, जिम में नहीं किसी का मर्डर हो गया. तो उन्होंने बोला शरारत वरारत होती है तो बंद कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी. देन मैं तो थोड़ा इधर उधर हो गया. फिर मैंने कहा यार हाउ डू आई स्टार्ट इट, मेरे पास पैसे भी नहीं है. मेरे पास 40,000 रुपये थे. तो ये एक बिल्डर थे मन्नू मिगलानी, उनकी ये कोठी थी. मैंने कहा आपके पास बेसमेंट है, शुरू कर लेते हैं. बोले यार चलाएगा कौन? मैं कहा मेरे को पूरा भरोसा है, मैं आई विल डू इट. हाँ जी. वो बोले ठीक है, मैं 60% मैं लूँगा, 40% आपको दूँगा. मैं कहा ठीक, पैसे मिला लेते हैं. तो मैं अपने गुरु जी श्री बलदेवराज शर्मा जी को लेके गए, CP अटल मशीन वाले थे, वहाँ मशीन बननी दे दी, आ गए. अब पहले 15 दिन मैंने सारे चैंपियंस बुलाए, खाना वाना किया, अंदर मैंने TV लगाया, एक बार्बर शॉप बनाई, AC एयर कंडीशन 90 में. फिर मैं एक मौर्या शेरेटन से एक कारीगर था उसको मैंने कहा, वो 10,000 रुपये लेता था बार्बर शॉप, मैं कहा तेरे को 15 दूंगा, ले क्या. उसको स्कूटर लेके दिया भाई, मैं उसको लग्जरी, मतलब अपने टाइम का लग्जरी करना चाहता हूँ. मैंने फुली कारपेटेड किया उसको. TV चलता था लेकिन उसके अंदर बॉडी बिल्डर्स की फोटो, मैंने वीडियोज बनाई थी बाहर से सारी अमेरिका से, बड़े बड़े लुई फरीनो, आर्नोल्ड, ये सब की मैंने पुराने बॉडी बिल्डर्स की वीडियोस चलती थी ताकि बच्चे इंस्पायर हों. उसमें कुछ और नहीं चलेगा. और म्यूजिक सिस्टम था लेकिन वो सुबह 5 से 7 बजे भजन चलेंगे, अभी भी ऐसे ही है, भजन चलते हैं. तो फिर मैं आहिस्ता 180 रुपये फीस रखी. फिर वो कहने लगे यार तुम बच्चों को खिला. मैं कलकत्ता टीम ले जा रहा था, 1993-94 की बात है. मैंने कहा बच्चों को कपड़े ले देते हैं, ये कर देते. तो उनको ये मंजूर नहीं था कि हम बच्चों पे पैसे लगाएं. तो लगाने तो वहीं से थे मेरे पास, तो मैं तो धनांडे था ही नहीं. तो मैंने टीम तैयार कर ली, उनकी चेयर कार, AC चेयर कार में मैंने टिकट बुक कर दी.
मतलब उस टाइम पे सस्ता जमाने में 13-14 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। वो बोले भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। फिर मैंने कहा मैं क्या करूँ, बोले आप रखो या मैं। फिर बच्चों ने हिम्मत की, सब बच्चों ने किसी ने 5,000 डाला, किसी ने 2,000। मैं हॉस्पिटल में था, बीमार था, उन्होंने कॉपी बना दी कि गुरुजी हमने 2,00,000 रुपये उनको एडवांस दे दिया। अच्छा, फिर मेरी वाइफ ने आके बोला कि बच्चों ने बड़ी हिम्मत की है, ये देखो ये कर दिया। फिर मैंने भी अपना इधर उधर से करके वो जो अपना ले लिया। चलो, लेकिन फीस आज भी 600 है वहाँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फीस आज भी जिम 600 है। राजीव खंडेलवाल से लेकर कितने बच्चे, मुकेश है, कितने मॉडल्स चले गए यहाँ से, दैट इज नो प्रॉब्लम। गुरु जी, मैंने आपकी जो देखी है ना बात, वो ये देखी है कि आपकी ना एक कल्ट फॉलोइंग ये कह लो कि मेरे ख्याल से आप, मैंने देखा आप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है ना, इसमें तो जितना डाल लो उतना कम है, और ये स्पोर्ट ऐसी है इसमें रिवॉर्ड्स बहुत कम है इंडिया में, यूरोप तो है नहीं, अमेरिका तो है नहीं कि आपको अगर हमने एक चैंपियनशिप जीत लिया आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आपको महीने का खर्चा निकाल लेंगे, आपको जॉब दे देंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ वहीं से निकालना है। और मैं आपको जहाँ तक देखता आ रहा हूँ, मैंने मुकेश भाई से बात करी, सुरेंद्र भाई से बात करी, कि आपका उनके साथ लगाव इतना है कि आप अपनी जेब से भी इनके लिए क्या अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए जेब से भी दे रहे हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जेब जो है ना वो यही लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो ये सब। और दूसरी जो आप बात कर रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग को यहीं से निकालना है, एक बात अभी मैं इसलिए कोट करूँगा कि सब फेडरेशन है आज की डेट में, अगर बॉडी बिल्डरों से प्यार करती हैं तो ये सारी फेडरेशन एक हो जाए, क्योंकि आज की डेट में ये बिजनेस बन गया। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हिज ओन, अपनी टीम ले जाए, अपने पैसे बचाए, एंट्री फीस आए, ये वो है। पूरी बात बोल रहा हूँ भाई, कोई भी फेडरेशन वाला बुरा नहीं मानेगा, लेकिन अंदर की बात यही है। तो बच्चों का अगर भला सोचना, आज की डेट में ये बिजनेस हो गया तरुण, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। अभी आप एक और बात देख रहे हो, एक और ड्रॉबैक हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग से हटकर लोग फिटनेस में जा रहे हैं, मॉडलिंग में, आप देख लें, मेंस फिजिक में अभी ये हो रहा है। क्या रीजन है गुरु जी इसका? ये रीजन नहीं, एवरीबॉडी वांट्स टू, अवेयर हो गए बंदे, फिट रहना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग जो है ना खत्म होती जा रही है। बॉडी बिल्डिंग बड़ा टफ गेम है, मैं इनको बोलता होता हूँ, एक बुक भी आने वाली है उस पर, कि लोहे के चने चबाओ और दांत भी ना टूटे। डू यू अंडरस्टैंड? चने चूर चूर करने हैं पर दांत भी नहीं टूटना, इतना टफ है ये। अब इस बात को देख के लोग भाग ना जाए मेरी, इसमें मजा भी इतना है, क्योंकि इस पर कशीदाकारी करनी है, जैसे आर्ट वर्क है ये। यू हैव टू वर्क फॉर काफ, काफ इज वीक, 6 महीने 8 महीने काफ पे लग जाएंगे, फिर आपका ट्राइसेप वीक है, वो बॉडी बिल्डर देख, बिकॉज बेयर बॉडी में आपको सब बॉडी का नंबर मिलना है, लेकिन जो फिजिक मॉडल फिजिक है उसमें अपर। आजकल फैशन का जमाना है, ये ऐप चाहिए, सिक्स पैक दे दिए, बाकी देखो 70 नंबर सिक्स पैक के हैं, बाकी 20-30 फिजिक के, मॉडल फिजिक में। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में 50% जो समझदार बॉडी बिल्डर है वो सबसे पहले लेग्स और एब्स तैयार करेगा, क्योंकि 50 नंबर 2 मसल से मिल जाने, बाकी 50 सारे से इकट्ठे होने, बैक है, काफ है, चेस्ट है, शोल्डर है, ट्रेपीजियस है। समझदार बॉडी बिल्डर क्या करेगा, सबसे पहले लेग्स और एब्डोमिन तैयार करेगा। लेकिन होता क्या है, बॉडी बिल्डिंग की साइकोलॉजी है, द पार्ट इज वीक, जो पार्ट आपका वीक है आप उसको अवॉइड करते हो, जो पार्ट आपका अच्छा है, शीशा है ना ये, ये बहुत कुछ करता है। एक्चुअली क्या है, इसमें लोग जुल्फे देखनी शुरू कर देते हैं, ये शीशे वो नहीं है, ये वो नहीं है, बार्बर शॉप नहीं है, इट्स नॉट फॉर स्टाइल, इट्स फॉर बॉडी। ये आपको मोटिवेट तब करता है जब इसमें देख देख के आप फिर करते हो, फिर करते हो, वो ये वो शीशे है, ये बार्बर शॉप वाले शीशे नहीं है। मैंने देखा बड़े बच्चे आते हैं पहले कॉम करके ये देखते हैं, ऐसे ऐसे मेरी टी शर्ट ठीक है, मैं ऐसे हूँ जैसे जेल वेल ठीक, मैं जिम जाने के लिए तैयार हूँ मैं। बट इन बॉडी बिल्डिंग यू नो यू हैव टू बी, बिकॉज इन बॉडी बिल्डिंग, इन हॉकी यू हैव हॉकी एंड बॉल, ठीक है, गोल करना है उसमें, इन फुटबॉल यू हैव फुटबॉल, इन क्रिकेट यू हैव, इन बॉडी बिल्डिंग यू डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट, यू हैव टू प्ले विद योर ओन बॉडी, योर बॉडी इज योर यस, इसी को तोड़ तोड़ के आपने दिखाना, यही ये गेम है, बहुत गहरी बात है। और कंपिटिटर्स आपस में उनको हराना है, फिर वो हारेगा, फिर वो हारेगा। और दूसरी बात, हर गेम में आपको डाइट लेके जानी है, दूध खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, ये खा रहे हो, इसमें 6 महीने पहले से थोड़ी डाइट करनी है, फिर चेक करनी है, फिर आखिरी महीने में, बिल्कुल आखिरी महीने में और आखिरी हफ्ते में तपस्या है, ना नमक ना पानी,
फीकी दाल, फीके चावल, इस क्या हो गया? ये तो बीमार आदमी को देने हैं, और ये एक बॉडी बिल्डर, इसको खाने के बाद उसको परफॉर्म करना है और फिर जीतना है, इसको कहते हैं बॉडी बिल्डर। और उसका गाइस ये भी देखो उसका रिवॉर्ड क्या है इंडिया में, ठीक है, जुनून है, जुनून है, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ रुपीज फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। अब ये बच्चा भी पाल रहा था जब मेरे पास आया, इसकी बच्चा पैदा ही हुआ था, अब तो कॉलेज पहुंच गया, अब मुझे क्या पता, अब गांव से आ रहा है, मैं मार भी रहा हूँ कुट भी रहा हूँ, पर तब प्रोटीन नहीं थे, भी चलो कॉम्प्लेन खाओ, इन्होंने कॉम्प्लेन की लाइन लगा दी, केले चीकू, ये हमारी रिसर्च थी। बात ये है कि आप अगर कोई पैदल आदमी गांव में 20 किलोमीटर चलता है और वो घी आधा किलो पी भी लेता है तो कभी फैट नहीं आएगा, क्योंकि उसका वर्कआउट इतना है। इनका वर्कआउट ऐसे था कि इनका पूरा घी तेल निकल के जाता था यहां से, और मेरे पास सोर्स नहीं थे, लिमिटेड सोर्स थे। मैं दिनेश को जब वो इंटरजोनल चैंपियन बनाया पूना में, दिनेश असवाल, उनसे भी मिलवाऊंगा, उनका भी आपको इंटरव्यू, बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं वो, उसने पहले कंपटीशन में जब वो गया, मैं कहा भी चॉकलेट और कोक ले लेना, इससे एनर्जी आ जाएगी, बात समझे? बिल्कुल। और मैं क्या करता था कि क्योंकि मुझे पता था मेरी मेहनत लगी हुई है भाई, यही मेरे नगीने हैं, मैं घर में सुलाता था, मैं नहीं जाने दूंगा, बाइक तेरी बंद कंपटीशन से, भी तू कल को आके कह दे मैंने तैयारी कराई है, आप बोल दो कर दी गुरुजी मेरी बाइक लग गई, बस हो गया काम, मेहनत खत्म। मैं नहीं करता ये मैं काम नहीं करता, मैं इनको भी खींच के अभी भी रखता हूँ। गुरुजी बात बताओ, हाँ ये तो होगी लड़कों की बात, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी फेडरेशन की, मैं जिससे भी मिलता हूँ उनकी एक अलग ही फेडरेशन, मैं यही तो कह रहा हूँ यार, मुझे एक बात बताओ, और मैं और जिस फेडरेशन से बात करो यार, वो फेडरेशन में तो ना ऐसा है ना कि वो जजमेंट जो देते हैं ना वो अपने लड़कों को देते हैं। मैं एक्स फेडरेशन से बात करता हूँ यार, अब दिल्ली में ही 7 फेडरेशन है, अब मुझे ये और सारी मिस्टर इंडिया और सारी मिस्टर दिल्ली, अब मिस्टर वर्ल्ड कितने आसान हो गए, ओ यार मिस्टर इंडिया बनने नू बंदे ने 12 साल खेड़िया, साडा प्रेम बहादुर जॉनी है कभी मिस्टर इंडिया नहीं बना, मिस्टर दिल्ली हर बार बन जाता था, और तब एक ही चैंपियनशिप, एक ही मिस्टर दिल्ली होता था, ओवरऑल होता था वो, लेकिन कभी मिस्टर इंडिया, नॉर्थ इंडिया तक रह गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। ये एशिया में गए थे, ये जूनियर मिस्टर वर्ल्ड गया था 98 में पहली बारी, 98 में स्पेन में, इसको पूछो, मैं जब मिस्टर यूनिवर्स में कोच गया हूँ स्लोवानिया में, एक कैटेगरी में 45 बंदों की लाइन थी, इतना आसान नहीं है। अच्छा जो बन के आए ना उनको भी पता है कि मैं मिस्टर वर्ल्ड नहीं हूं, वहां 5 ही आदमी थे जिसमें 3 इंडिया के थे, उनको भी पता है, लेकिन वो क्यों बोले, आज की डेट में ये सोशल मीडिया आ गया मिस्टर वर्ल्ड में, 4 ताली बजाने वाले भी मिल जाते हैं। देखो भाई मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा पापे तनु, लेकिन असलियत तनु ही पता है कि मिस्टर वर्ल्ड करवाना कितना मुश्किल है, आर्नोल्ड वगैरह नु किन्ने किन्ने साल लग गए, हाँ जी प्रेमचंद डेगरा नु मिस्टर यूनिवर्स बनना पहले कितनी बारी लगे, और प्रसाद कुमार वगैरह इतने साल लगे रहे मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन पाए, दिनेश असवाल 5वें तक पहुंचा, हमारा जो बच्चा है मिस्टर यूनिवर्स IFBB में, और प्रसाद भी वो एक बॉम्बे में जो हुई थी उसमें 1st-5th तक आए, आगे नहीं जा पाए। आप बात ये इतना आसान नहीं है, और दूसरी गल फेडरेशनों की सबसे बड़ी गलती, ये हुआ क्यों, 5 फेडरेशन बनी क्यों, क्योंकि हमारा मेरे घर में अगर 5 घर बन जाए मेरे बेटों के, तो उसका कारण क्या होगा, मेरी कमांड ठीक नहीं थी, डू यू अंडरस्टैंड, एक फर्म से 5 फर्म बन जाए वो कैसे, क्योंकि आपका काम करने का तरीका ठीक नहीं थे। देखो जी मैं ये कहता हूँ ये पोस्टें भी बढ़ती हैं, एक आदमी को एक ही तो पोस्ट चाहिए अब, लेकिन यहाँ का एक आदमी कहता है कि मैं एक तो पोस्ट लूंगा 10 अपने रिश्तेदार भी रखूंगा मैं, और मैं रेफरी भी वो बिठाऊंगा जिनको कुछ नहीं आता, टाई लगा के आगे बैठ जाओ, जो मैं बोलूंगा वो करना है, ये डिक्टेटरशिप इज ऑलवेज बैड, और इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसका हरजाना लोग भर रहे हैं, बॉडी बिल्डर ही भर रहा है, बॉडी बिल्डर भर रहा है आज की डेट में, बॉडी बिल्डिंग सुन लो, ये मेरी मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा, अगले 2-3 साल में देख लेना बॉडी बिल्डिंग, अगर कोई टामा टामा ही लड़ेगा कोई बंदा आम आदमी नहीं लड़ेगा, ये बता रहा हूँ आपको, आपके चैनल पर बता रहा हूँ, तरुण बैठा है यहाँ, मुकेश बैठा है, ये बता रहा है, आगे तुम देख लेना मेरे से बात करना बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि ये कारण भी यही है। पापे चाइना का माल सस्ता था ना, इंडिया में आया घर घर में गया, आज कौन खरीद रहा है बोलो, सोनी को फिर भी लोग खरीदते हैं, अंडरस्टैंड, समझ गया गुरुजी, मुझे एक बात बताओ, ये सब तो ठीक है गुरुजी, मैं आई एग्री विद यू,
लेकिन मैं मुकेश भाई से ही बात कर रहा था कि यार अब तक हम एक मिस्टर ओलंपिया तो चलो जीतना तो छोड़ो, क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बात आप समझ लो, बेसिक जो है हमारा बेस पहले तो वो गलत हो जाता है। जिस देश के पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन वो ये पढ़ाते हो कि तू मेरा मैं तेरा, इस गेम के लिए बोल रहा हूं ठीक है, वहां से एमबी और ग्रेजुएट कैसे निकलेंगे? अच्छा मेरी तेरी है, जबकि इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ाना चाहिए कि भाई नहीं, गेम इज फर्स्ट, नेशन इज फर्स्ट, देन आफ्टरवर्ड्स। फिर हमारा खान पान कुछ ऐसा, ये भी कारण रहा कि ये जो सप्लीमेंट्स हैं या इसकी एसेसरीज थी, एसेसरी बोलूंगा मैं इसको, बॉडी बिल्डिंग की जो एसेसरीज थी, जो खाने की चीज़ें या ये या डाइट प्लान्स, ये लेट आए इंडिया में। पहले तो पप्पे सरसों का साग खा के बॉडी बिल्डर खेलते थे, प्रेमचंद डेगरा जी दे भी बयान है, मेरे दोस्त है, उन्होंने ओ एस जी मनन के भी पहले तो एवं बंदे बॉडी बिल्डर तैयार होते, क्यों? अपने हार्डवर्क नाल स्किन पतली करते सी विद हार्डवर्क। आज की डेट में स्किन पतली करने की भी गोली आ गई है, एवरीबॉडी वॉन्ट्स, भाई वो चाहता मेरी फेसबुक पे फोटो आवे, मैं उधर हो जा, मेरी वाह वाह चार लोग कर दें, समझ गए, और फेसबुक पे 250-300 रुपया उन्हें दे देता कि यार मेरे रोज चला दो, मेरे को और फॉलोअर मिल जाएंगे। आज की डेट में ये बड़ा जुनून हो गया है, समझ गए। जेड़ा फादर आपको, मान लो ये आप मेरे बेटे हो, मैंने आपको 50,000 का मोबाइल ले दिया, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपको ले दिया, फिर वही मोबाइल आप मेरे सामने बैठ के चला रहे हो और पापा की तरफ देख भी नहीं रहे, लेके भी मैंने ही दिया, इतना जुनून हो गया है कि मोबाइल पे रखे रहना, ये करना, सोशल मीडिया का हो गया है, पेरेंट्स को मानना नहीं। भाई ये जो गेम है ना, ये गुरुकुल वाली गेम है बॉडी बिल्डिंग, अंडरस्टैंड, गुरुकुल वाली है ये, तो गुरुकुल कांगड़ी का काम है, सालों साल अपने उस्ताद के डंडे खाने पड़ेंगे, अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, तब ओलंपिया निकलेगा। अच्छा जब हमारा ओलंपिया निकलने लगता है, वहाँ पे फेडरेशन का रिवर्स रोल शुरू हो जाता है कि ये जाएगा और ये नहीं जाएगा, ये मेरी फेडरेशन का है, उसकी फेडरेशन का है। ये नहीं है कि उस फ्रेम के बच्चे हैं, ये नहीं मैं कहता, बच्चे उस फ्रेम के आगे हैं अभी, पहले भी थे, लेकिन उनको तैयार करने के लिए जब वो काम आता है वो बच्चा भी भटक जाता है। फिर किससे खेलो, कौन सी फेडरेशन से खेलो? अच्छा फिर दूसरी बात है, जैसे मेरी फेडरेशन है, अब मैं उसको थोड़ा दिलासा, अरे कोई गल नहीं आजा, एक दो चार डब्बे दिलाए, वो बंदा उधर गया, उस्ताद को छोड़ दिया। आज की डेट में ये चेंज आया कि उस्ताद को इतनी जल्दी छोड़ते हैं, चलो बस जी बस, ये चार हफ्ते आए, पैसे सर कितने पैसे हैं, पहले ही आते पूछते सर कितने पैसे लगेंगे, मैंने कहा अभी पैसे लगेंगे तो आप मुझे बताओ, इंडिया के बिजनेसमैन अंबानी हैं, बिरला टाटा हैं, अगर पैसे से लगते तो उनके बेटे क्यों नहीं बन गए पहले? फिर बोले अच्छा दवाइयाँ क्या चलें, मैंने कहा फिर केमिस्ट का बच्चा क्यों नहीं बन गया? फिर कहते सप्लीमेंट, मैं कहा सप्लीमेंट की दुकान वाला क्यों नहीं बन गया, उसको शौक नहीं है? ये दिस इज अ डिफरेंट आर्ट, वही गुरु चेले वाली बात है, ऐसे नहीं है, और वहीं पे भटक जाते हैं बच्चे, थोड़े बहुत डोले तो बन जाते हैं, छोटी टी शर्ट पहन ली, ये कर लिया। अभी भी जो मॉडल फिजिक में बन के हैं, मैं उनकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, क्योंकि वो घर से 1.5-1.5 लाख रुपया लगा के गए हैं बच्चे, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर मुझे बताओ कंपटीशन में कितने बंदे थे? अगर तुम ये वो मिस्टर ओलंपिया वाले में चले जाओ तो क्या होगा? कभी भी नहीं होगा, ये उनको भी पता है, और उनको भी पता है अगर वो दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग में उतर गए तो 5वें नंबर, क्योंकि सब बच्चे मुझे आपका इंटरव्यू देखने के बाद गाली जरूर देंगे, क्योंकि क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है? सच ही चाहिए मुझे, एक और बात बताओ, ये तो होगी बात लड़कों की फेडरेशन की, आप ये भी देख रहे हो आजकल के बच्चे जो है ना सप्लीमेंट में जाते हैं, और सप्लीमेंट में भी डुप्लीकेसी थी, ये अब एक और बीमारी आ गई है कि सप्लीमेंट बाहर से आ रहा है, सब बोल रहे हैं, और भगीरथ पैलेस में कट्टों में बिक रहा है, 400 रुपए का डिब्बा 4,000 में बिकता है, अब बताओ, और वो इतनी टैबलेट टूबलेट क्या क्या पाउडर डाले हुए हैं, जाते ही वो बंदे का लीवर, या तो एक 6 साल में उसका लीवर चलनी हो जाएगा, लंग्स लंग्स चले जाएंगे उसके, और मैक्सिमम पेट की प्रॉब्लम है और लीवर की है, सब बच्चों को, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को लूज मोशन है, आधे बच्चे मैंने ऐसे भी, कुछ बच्चे मैं ऐसे भी जानता हूँ, उनका जो यूरिन है
इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उठ के वहाँ तक बाथरूम तक चले जाए। हमारी पावर लिफ्टिंग में भी ऐसे है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो इतना ड्रग्स यूज कर लिया अभी से कि उठ के बाथरूम, इतना टाइम नहीं है उनके पास, बीच में ही हो जाता है। साइड इफेक्ट ड्रग की साइड इफेक्ट, यहाँ उनका सिस्टम इतना वीक हो चुका है। जितने कोई भी बच्चा आता है, सर मैं वो वाला प्रोटीन ले रहा हूँ, मैंने कहा कौन सा वो वाला नाम है, मैं कहा यार मैंने तो नाम ही नहीं सुने, सिंपल प्रोटीन दी है, सिंपल क्रिएटिन खुवाई, जब पता लग गया तो डंडे मारे, अभी तक चल रहे हैं बंदे। मैं हैरान हूँ गुरुजी, मुकेश हो चाहे कोई भी हो, इनके अपने 18-20 साल के लड़के हैं, हाँ, और वो भी आपको अब तक ऐसे मानते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि सेकंड पोद है। अभी मुकेश का बेटा आ रहा है, वर्जिश कर रहा है, कभी आता है मेरे पास। अच्छा, तो मेरी सेकंड पोद शुरू, ये नहीं, एक SHO साहब हैं गुप्ता जी, उनका वो अपने बेटे को छोड़ गए हैं, पहले वो आते थे, अब उनका बेटा आना शुरू हो गया, वो भी MBA कर रहा है। तो भी बात बताओ गुरुजी, किसी को आपके पास आना हो, हाँ, कुछ ट्रेनिंग करनी हो, कुछ करना हो, तो सर क्या प्रोसीजर है, कैसे, क्या रेकमेंड करते हैं? इट्स वेरी सिंपल, आई एम ऑलवेज सिटिंग देयर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यू कैन कम एंड डिपॉजिट योर फीस एंड देन शुरू हो जाओ। हाँ, जिम ये जरूर है, जिम की फीस 600 रुपए, और नहीं है गई तो फिर फ्री भी थी, अजय भी आ गया। दूसरी बात, पहले मुझे आपकी चॉइस बता होनी चाहिए, आप करना क्या चाहते हो जीवन में। अगर तो आप मजे लेने आए हो, थोड़ा बहुत करना है तो भाई इस लेवल है। अगर आप कहते हो मुझे मॉडल बनना है तो मुझे बताना पड़ेगा ना। आपने बोलना मेरा वेट कम हो, मेरे पास कोई ट्रेडमिल नहीं है और मेरा रिकॉर्ड है, इतने वेट कम कर दिए होंगे मैंने, अगर मैं फोटो लगाता ना कम्बिनेशन की, अभी तक अखबारें भर जाती, क्योंकि मैं कम्बिनेशन की लाना है, लोग ही जाके बोल देंगे। जब मैंने बाहर को, मेरा कोई बोर्ड ही नहीं है, तो मैंने क्या ये कम्बिनेशन क्या लगाना, पहले ऐसे पहले और लगाते हैं ना ऐसे, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गया, बिफोर आफ्टर, हाँ वो की होता। मैं तो इनकी नहीं लगाई, जब ही आए हैं तब इनकी नहीं लगाई, ये जब मुकेश आया एक बारी तो ये नेक्स्ट डे ही एक बच्चे के साथ बाल कटवाया कमला नगर से, और मुझे पता लगा कि यार ये बच्चा बनने आया, मैंने देखा यार इसकी तो बाल की कटिंग ही हो रहा है। अब मैं तो तुम्हें पता पूरी नजर रखता हूँ, जिवें ही आया मैंने कहा यार ये क्या है, ये तो आज स्टाइल पकड़ गया। दूसरे ही दिन मैं कह यार ये बंदा कितने चलेगा, ये नहीं चलेगा, मैं कह भी क्या गया था, कहता कहीं नहीं, दो लगाए मुकेश, हाँ मुझे नहीं पता था शादीशुदा या बच्चा, क्योंकि मैं इस बात से कंसर्न ही नहीं, बंदा मेरे पास आया बनना चाहिए। फिर इसने मुझे बताया जी मैं कमला नगर, मैं किसके साथ गया, वो तेरी धर्म सिंह के साथ, मैं कह ले तेरी कर क्लास लगाता, क्योंकि ये भी एकदम ऐसे नहीं हुआ। फिर ये एक बार एक घटना और है कि इस इनका परिवार बहुत बड़ा है, भाई ज़्यादा है, बच्चे भी बड़े बड़े हैं उनको। मैं इसको बोला कि रेलवे की ट्रेनिंग है, जूनियर था रेलवे की थी, इंटर रेलवे, मैं कह इसमें चैंपियन बनना है, तेरी नई नई नौकरी लगी है, और तू, मैंने कहा टाइम पे पहुंच, मेरा आ जाता है, मैं जब टाइम दे दूं तो उससे पहले मैं होता हूं, पौने तीन मैं होता हूं, 3 बजे इनका टाइम है, क्योंकि मैं चांस नहीं देता, और अगर मैं कभी लेट हो जाऊं किसी वजह से रिश्तेदारी में तो सॉरी, मैं पहले ही बोलता हूं, मैं आते ही बोलता हूं तूने मेरी वेट की, मैं उसके लिए माफ। मैं बैठा हूं, बंदा आई नहीं, मैं बैठा, एक दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार, 3 दिन, 4 दिन, और मैं कह रेलवे में नौकरी लगा है, तेरे को चैंपियन बनाना है, ना मुझे फोन भी नहीं होते तो जमा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आ गया जी 4 दिन बाद, मैं बैठा हूँ बिल्कुल मेरी हीट पे, मैं आखते मैं कहा चल बाहर निकल, बाहर निकल जा, जिम में नहीं रह सकता, बिकॉज आई एम नॉट अ, मैं ऑर्डिनरी बंदा थोड़ी हूँ यार, अगर मैं तेरी तपस्या कर रहा हूँ, तेरी वेट कर रहा हूँ, तो मैं भी तो उसी तरह से चाहता हूँ आगे से। वेन यू लव समवन आइदर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, तो आगे से भी तो रिस्पॉन्स होना चाहिए, बिल्कुल, मैडनेस तो ये क्या है, फिर वो लव में जीत नहीं होगी कभी भी, वन साइडेड हो गया, तो मैं तो चाहता था रिस्पॉन्स क्यों नहीं है। फिर मैंने कहा बाहर, इसको सजा दी बाहर, इसने बड़ी सिफारिश लगाई लड़कों को, मैं अंदर आ जाऊँ, गुरुजी को बोलो ये वो, मैं कह नहीं अंदर नहीं आ सकता ये आदमी, बिकॉज इसको परवाह ही नहीं है अपनी, इसके गाँव से घर से इसके माँ बाप वेट कर रहे हैं, हमारा बच्चा बनने गया है, मैं ऐसे थोड़ी रवेरी कर सकता हूँ कि मेरी फीस आ गई 180 रुपये, अब तू जो मर्जी कर। यहां पे वो बंदा वर्जिश नहीं कर सकता जो काम पे साथ काम नहीं रखेगा, उसकी गाड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं, उसके बंगले से मुझे कोई मतलब नहीं, वो लग्जरी मुझे खाना दे मुझे कोई मतलब नहीं, अंडरस्टैंड मुझे। हाँ।
ये तो हो गया, ऐसे आप हो, ठीक है ना, लेकिन आप देखते हो इतने आजकल सारे गुरु जी आजकल, तो आपको पता ही, मैं कह रहा हूँ जी गुरु जी की बाढ़ लगी है, वीर बाजार लगता है गुरु जी का। और सुनो, इसमें से गुरु जी अगर आप दाजिम के निकालोगे तो इतने गुरु, मैं भी लिस्ट डालने वाला हूँ कि नए नए गुरु जी पैदा हो रहे हैं, वो उनको कमाना शौक है कि भाई इसने मुझे गुरु जी क्यों नहीं बोला, मेरे पैर क्यों नहीं पकड़े, बात समझे। जो डिजर्व करते हैं वो तो है ही, जो नॉन डिजर्व है वो भी कहते हैं मेरे को भी गुरु जी बोले, हद हो गई, मेरे को गुरु जी क्यों नहीं बोला है। अब ऐसे ही होता है ना गुरु जी, अब होता क्या ना कि ऐसे ऐसे गुरु जी बच्चे चले गए, कि तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे जो हर जिम में गुरु जी आजकल, हाँ तो उसने कुछ दे दिया होगा, मैं ऊपर कर लूँ, कोई बात नहीं, इंटरव्यू चल रहा है, बस जेन्युइन टी हो रही, उसने कुछ दे दिया होगा, कुछ ऐसी कोई गोली वोली दे दी, डैना बोल करके ऐसा कुछ दे दिया, अब उसका खून आना शुरू हो गया, उसके मुंह में उसके पेट खराब हो गया, खून आना शुरू हो गया, ऐसे फिर मैंने कई जिम में मैं मिला गुरु जी लोगों से, हर जिम की यही कहानी कि सबसे पहले जाते ही वो हार्ट शेप डैना बोल पकड़ा देते हैं, लो भाई गुरु जी के पाँव हाथ लगाओ और करो। अब उससे हुआ क्या, जो असली गुरु जी हैं उसका नाम सारा मिट्टी में मिलता जा रहा है इन चक्करों में, और ये लोगों की जेब काटने में लगे हुए हैं, लोगों की हेल्थ काटने में लगे हुए हैं। मैं एक बात बोलता हूँ, असली गुरु तो देखो जी मेरे जो उस्ताद लोग थे ना उनका बहुत तपस्या थी, शायद मैं बहुत ही नलायक आदमी था जीवन में, स्कूलों से भागना, पढ़ाई लिखाई करना नहीं, बस स्पोर्ट्स के पीछे रहता था। लेकिन जो मेरे गुरु लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, श्री बलदेव राज शर्मा, कंवर मंगल सिंह जी, या मेरे फादर, या ये सब लोग जो मेरे बड़ों ने सिखाया, वो मैं उसका बना हुआ हूँ एक्चुअल में। मैं गुरु, ये बच्चे शुरू हो गए, पहले बच्चे मुझे वीर जी बोलते थे जैसे पंजाबी में, जो पहले वाले थे, फिर ये गाँव से बच्चे आ गए, इन्होंने गुरु जी बोलना शुरू कर दिया। पर यार ये मैं इनको बोलता रहता हूँ, यार ये वर्ड जो है ना इस पे पूरा उतरना बड़ा मुश्किल है, इट इज़ अ टफ जॉब। व्हेन समवन सेज यू आर माय गुरु, दैट मीन्स समथिंग। और आपको उसमें, अभी मेरे साथ क्या होता है, मेरी संस्था बहुत बड़ी हो गई है, कभी कभी क्या होता है जो नए हैं या जिन्होंने कम किया है वो वाला पलड़ा ऊपर हो जाता है, क्योंकि मेरे को गुरु जी बोल दिया, पैर पकड़ लिए, मैं उसके साथ चला गया तो पुराने वाले नीचे आ जाते हैं, जो पुराने वाले नु करना था, फिर नले वाले कहते हैं। मेरी हालत ये हो गई है, गुरु जी इज अ वेरी टफ जॉब। और मेरे जो भी मैसेज सुन रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, वो पापे गुरु को रहना इतना आसान नहीं है, मेरे को बाल बच्चे अपने सब छोड़ने पड़े हैं, तब करना मतलब ये नहीं कि मैंने उनको, पर जितना मैं अपने बच्चों के साथ रहा हूँ इनके बॉडी बिल्डर्स के, और जितना इनकी कंपनी में इंजॉय करता हूँ, शायद मैं, मेरे बच्चे भी बुरा ना माने, उनको भी पता है ये बात कि मैं इनके साथ बड़ा खुश रहता हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, और वो है, और इसी का रिजल्ट है ये, यही होता है असली गुरु की पहचान ही होती है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं। मैंने आपको बताया यू नो, ये अपनी जेब से उनके लिए कुछ करते हैं, अगर पैसा नहीं है, इन्होंने बोला भी नहीं है, तब भी आप आओ, आई गिव यू द सेम अटेंशन जो आजकल जिम में नहीं होता। जिम में तो सबसे पहले आपको सप्लीमेंट बेचने पे लगते हैं, सप्लीमेंट खरीदोगे तो आपको वो अटेंशन मिलेगी, नहीं तो मिलेगी नहीं आपको, लेकिन दिस गाय इज़ फॉर रियल। अगर आपको, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा द जिम का, जहाँ पे आप गुरु जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप इनके जिम में आ सकते हैं, आप इनसे मिल सकते हैं, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए आप इनसे बात करते हैं, एटलीस्ट आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा, बड़ा रॉ और देसी पर्सपेक्टिव मिलेगा फिटनेस को लेकर। जैसे इनका मानना है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी स्पोर्ट है, ये अपने आप नहीं हो सकती, आपको इसके लिए गुरुकुल में ही जाना पड़ेगा, और वहीं से ही आपकी जो है असली पहचान बनेगी। तो आई होप आपको इससे कुछ सीख मिले, आई होप आप वो जो दूसरे फेक गुरुजी जो बनते हैं, जो आपको चीज़ें बांटते रहते हैं, देते रहते हैं, आप उनसे दूर रहो, क्योंकि वो आपको पता नहीं आपकी हेल्थ के साथ क्या क्या खिलवाड़ होगा। यहाँ पे एटलीस्ट यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे आपको वर्कआउट से पहले क्या, मुझे मुकेश भाई ने बताया था, दही और आलू, दही आलू, सीक्रेट ऑफ मैराडोना, इट्स अ सीक्रेट ऑफ मैराडोना। आप कभी भी लाइब्रेरी में पढ़ लेना, वो मैच से पहले एनर्जी के लिए यही एक घंटा पहले ये खा के जाता है। दिस इज ऑल ओल्ड स्कूल, सीक्रेट ऑफ मेरिट इज ओल्ड स्कूल। अब आपको अगर ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग करनी है जिसमें रिजल्ट्स गारंटीड होते हैं, दिस इज द प्लेस फॉर यू टू कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू तरुण, गॉड ब्लेस यू, यू ऑल्सो हैविंग गुड फिजिक, आई अप्रिशिएट यू, मैं योर टीम ऑल्सो, नकली मैं नकली, नहीं 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 नहीं, गॉड ब्लेस यू एंड यू आर हैविंग वेरी आइडियल फिजिक। और अगर ऐसे लोग इंटरव्यू करें, क्योंकि दोज हु आर इन्वॉल्वड इन द सब्जेक्ट, आप तभी तो इतना अच्छा इंटरव्यू कर पाए मेरा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि आप वर्जिश करते हो, आप इनसाइड स्टोरी तभी हो रही है।
ये नहीं कि जो बाकी स्टोरी करते हैं वो ऐसे हैं, पर आपको अंदर का माल पता है तो इसलिए आप मुझे ज़्यादा छेड़ पाए। मैं हर एक आदमी मैं ना जस्ट बॉडी बिल्डर के लिए मैं क्या सारे इंडिया में बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ करने की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये एक ऐसी स्पोर्ट है ये इतना आपसे डिमांड करती है आपकी बॉडी से, आपके पैसों से, आपकी फैमिली से। और एक बॉडी बिल्डर ही ऐसा होता है जो अपनी सक्सेस को भी खाना खा के सेलिब्रेट नहीं कर सकता। और एक मेरी सारे बॉडी बिल्डरों से सारे फेडरेशनों से अपील है यार, हर घर में वर्ल्ड मिस्टर वर्ल्ड हो, लेकिन ठीक तरीके से हो, जेन्युइन हो। ये दो अतर जेन्युइन। दूसरी बात पापे, सारे मिल जाओ, सारे ठीक रहो, क्योंकि ये गेम, मैं क्रिकेट को देखता हूँ, आई एम फॉलोअर ऑफ क्रिकेट, वो नहीं कह रहा, ये गेम क्रिकेट से भी ऊपर जाने वाली है। आज की डेट में अगर आप रेशियो देखो, एक क्रिकेटर होगा 10 बंदे जिम में जाने वाले होंगे, और आज क्रिकेटर भी जिम में आ रहा है, ये बात है जो पहले इसको नहीं आता। ये हमारा ही कर्म है कि हम अलग अलग हो गए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भाइयों जुड़ जाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना, सबके लिए मैसेज है। तो गाइस, रिस्पॉन्स टू ऑल फेडरेशन एंड ऑल बॉडी बिल्डर्स थ्रू गुरु जी कि आप मेरे पास आओ। स्टूडेंट्स के लिए मैसेज कि आओ, आई एम हेयर टू हेल्प यू। एंड फेडरेशन के लिए हम एक मिल के बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। टाइम पीस।